असि घूम के वेख जहान लिया कोई मुल्क नी पाकिस्तान जहा असि घूम के वेख जहान लिया कोई मुल्क नी पाकिस्तान जिया इत्थे दुख सुख सब नाल सांझे ने गल लाउंदे प्यार नभाउंदे ने ताइयों इस देश ते रब दी छा तन गुरु जी दा दर ननकाना ता बार्डर ते खड़े ने शेर जवां रब कैर कवां रब कैर कवां पाकिस्तान आजाद है आप आजादी मनावांगे और अज भी देखो कि असीं पूरे जोश नाल पूरे जज्बे दे नाल इत्थे आए हां ठीक है ये साडे दिल दी ख्वाहिश सी कि असीं इत्थे पहुंचीए और बहुत पाकिस्तान रेंजर दा धन्नवाद करदे हां कि जिन्हां ने एडा प्रोटोकॉल दित्ता सानूं इत्थों तक पहुंचाया ठीक है सरदार साहब आप एक सिख हैं कभी आपके दिल में ये बात नहीं आई कि यार मैं क्यों ना भारत चला जाऊं या भारत क्योंकि अक्सर आपकी जो मेजोरिटी वहीं पर है तो क्या ज़हन में ख्याल आता पाकिस्तान के जी जानते दिल करता है लेकिन ये है कि अपना पाकिस्तान थोड़ी छटना है नाज़रीन हाथों में गाजियों वाली तलवार पकड़ कर ये देखें भारत की जानिब से भी गेट बंद हो चुका है और पाकिस्तान की जानिब से भी गेट बंद हो चुका है और यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत ही ज्यादा पुरजोश दिखाई देते हैं और यहाँ देखें कि फिजा देखें कि किस तरह फिजा जो है वो फिजा देखें कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं वो खुश दिखाई देते हैं और बहुत से ऐसे शरपसंद थे जिनका कहना था कि हम 14 अगस्त का बाइकआउट करने जा रहे हैं लेकिन इन मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानियों ने ये यहाँ पर दिखा दिया है कि मोहब्बत किस तरह की जाती है अपने देश से कि वो लोग हैं जो कि दुश्मन की आंखों से आंखें डाल के बात करते हैं यहाँ पर हमारे साथ सरदार साहब मौजूद हैं सरदार साहब से बात करते हैं जानते हैं कि अपने मोहब्बुल वतन पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान से तुम्हें पता है जिंदाबाद है तो जिंदाबाद रहना है ठीक है सर यहाँ पर कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि हम 14 अगस्त का बाइकआउट करने जा रहे हैं और पाकिस्तान में मे भी कि 14 अगस्त जश्न आजादी नहीं होगी तो क्या कहना चाहते हैं इन लोगों के बारे में और उन लोगों को क्या नहीं नहीं जी ये तो बहुत गलत गल है पाकिस्तान आजाद है आप आजादी मनावांगे और अज भी देखो कि असं पूरे जोश नाल पूरे जज्बे दे नाल इत्थे आए हैं ठीक है ये साडे दिल की ख्वाहिश थी कि असं इत्थे पहुंचीए और बहुत पाकिस्तान रेंजर का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने एडा प्रोटोकॉल दिता सानूं इत्थों तक पहुंचाया ठीक है सरदार साहब आप एक सिख हैं कभी आपके दिल में ये बात नहीं आई कि यार मैं क्यों ना भारत चला जाऊं या भारत क्योंकि अक्सर आपकी जो मेजोरिटी वहीं पर है तो क्या ज़हन में ख्याल आता पाकिस्तान के जी जानते दिल करता है लेकिन ये है कि अपना पाकिस्तान थोड़ी छटना है उदा जिदा आउंदे हम बाबा जी की धरती से मत्था टेकन इंदी आई वे आपके गुरुद्वारे च मत्था टेकन लई जावांगे और वो सानू कोई रोक शोक नहीं है मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो मट्टी है इससे जो लोग मोहब्बत जो कह रहे हैं कि हमने बॉयकॉट करना या मोहब्बत नहीं करना चाहते तो उनको आप एक एज अ सरदार होने के नाते क्या कहना चाहते सर जी देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पे सारी कम्युनिटियों के साथ बहुत प्यार किया जाता है हम अभी सरदार हैं तो हमें पता है ना कि पाकिस्तान में इतना प्यार दिया जाता है इतना सत्कार करते हैं हमारा जैसे कि हम बाइक पर जा रहे हो तो हेलमेट का नहीं पूछते अगर किसी रेंजर्स ने या किसी आर्मी वालों ने रोक लिया या किसी पुलिस ने रोक लिया पंजाब पुलिस ने तो बस यही पूछेंगे कि सरदार जी चाय पियेंगे बोतल पियेंगे आपको इतना प्यार सत्कार देते हैं कि यकीन माने कि दिल चौड़ा हो जाता है और दिल ऐसे बड़ा हो जाता है ठीक है अच्छा यहाँ पर जो लोग आपके जो कि गिर्दोनुमा में थे और आपको ऐसे लिपट रहे थे पकड़ रहे थे कि हमने आपसे बात करनी आपसे इंटरव्यूज करनी तो इस जज्बे के बारे में अगर आपको कोई भारत में देख रहा है तो उनको क्या पैगाम सर मैंने पाकिस्तान के लिए एक तराना लिखा हुआ है पाकिस्तान की खिदमत में मैंने वो गाने गाया है कोई मुल्क नहीं पाकिस्तान जहा असि घूम के वेख जहान लिया कोई मुल्क नहीं पाकिस्तान जिया इत्थे दुख सुख सब नाल सांझे ने गल लाउंदे प्यार नभाउंदे ने ताइयों इस देश ते रब दी छा तन गुरु जी दा दर ननकाना ता बार्डर ते खड़े ने शेर जवां रब कैर कवां रब कैर कवां सरदार साहब बहुत शुक्रिया नाजिम ये सरदार साहब ने अपनी तरफ से जो पाकिस्तान की मोहब्बत में तराना गाया है और इनका कहना है कि जो पाकिस्तान में हमें मोहब्बत मिल रही है इस मोहब्बत की वजह से पाकिस्तान से और मोहब्बत करने को दिल करता है और ये देख सकते हैं कि अभी परेड ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानियों का ये जमे गफीर था और तादाद देख लें जो लोग ये कह रहे थे ये तासुर फैलाया जा रहा था कि पाकिस्तान पर 14 अगस्त को बाइकआउट किया जाएगा लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मजमा आया है
जिन्होंने यहाँ पर परेड की है। और यहाँ पर अगर मैं भारत के आपको दिखाता चला जाऊँ तो ये मेरे जो कि दूसरी तरफ यहाँ पर भारत है और भारत की जानिब से भी लोग आए हैं, लेकिन जो जो शो जज्बा जो स्पिरिट इनके अंदर नज़र आया है वो जो कि भारत के लोगों की तरफ से नहीं नज़र आया। तो नाज़रीन आप अपनी पाक फ़ौज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो फ़ौज जो हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ी होती है, वो फ़ौज जो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करती है, वो फ़ौज जो कब भी तुम पर आफत आती है तो फ़ौज सबसे पहले आपको नज़र आती है। तो नाज़रीन आखिर में हिंदुस्तान को कहना चाहूँगा, ना समझोगे तो मिट जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में।